हेलो, आप लोग देख रहे हैं ना, ये है हमारी फिल्म का हीरो। इसका नाम है श्री श्रीकर। आप लोग सोच रहे होंगे ना, इंट्रोडक्शन इतना साधारण क्यों है इसका। सीमा के लोग ऐसे ही होते हैं। जब श्री इंटरमीडिएट कर रहा था तो उसके पापा का ट्रांसफर वैजाक में हो गया। अभी MBA कंप्लीट करके वो दोस्तों से मिलने के लिए अपने गाँव धर्मावरम जा रहा है। देखते हैं क्या होगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस बच्चे का इतना क्लोज शॉट क्यों दिखाया जा रहा है, ये लड़का कौन है, इस बच्चे का इस कहानी से क्या संबंध है, ये सोच रहे होंगे। तो ये एक ट्विस्ट है और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम फिल्म देख लेते हैं। क्यों रे, कल गीता ने क्या कहा? चप्पल दिखा दी यार। हेलो, कहाँ हो यार? बस रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाला हूं मैं। ट्रेन आ गई, चल। हाय। क्या यार, कैसा दिख रहा है? हाय, ला बैग दे। कैसा है यार? अच्छा हूँ। चल चल, आ जा। चल चल चल। तो तूने बताया नहीं कि अपने गांव में इस वक्त क्या हो रहा है। और क्या, बेरोजगारी, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तेरे जाने से पहले कांग्रेस थी और अब BJP है, उससे ज्यादा मुझे और कोई बदलाव नहीं दिखे। ऐसे कैसे यार, इस गांव में एक दुखी आत्मा है ना। ये कौन है? पांडू, बकरी के भेष में लोमड़ी, बहुत ही शातिर आदमी है। देख यार, यहाँ खाकी के पीछे भ्रष्टाचार है ऐसा मत समझ, क्योंकि यहाँ का SI घूस नहीं लेता है, समझ गया ना। वो कौन है? मिस्टर श्रीराम। क्या यार, इतनी तारीफ कर रहा है? तेरा कोई रिश्तेदार है क्या? उनका काम वो करेंगे, इनका काम ये करेंगे, पहले हमें नौकरी ढूंढनी है। हाँ यार, वैसे कल इंटरव्यू है ना, वो क्या पूछेंगे, हम क्या कहेंगे, ये सोचते हैं, हमें थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी ना। ए, मृदुला हमेशा तेरे बारे में पूछती है यार। मृदुला? हाँ, वो आनंद राव अंकल की बेटी है ना। हाँ। तू अभी तक उसे भूला नहीं क्या? दरअसल बात यही होती है,
इसका मतलब ये है कि मैं उसे अभी तक याद हूँ। जो दिल में है उसे कैसे भूल सकती है। उस वक्त तो मृदुला इंटरमीडिएट में थी ना, सोचा था अनजाने में पसंद कर लिया उसने। लेकिन शायद मैं गलत था। अभी तू पहचान भी नहीं पाएगा, इतनी मोटी हो गई है वो। ए, सुंदर भी तो है वो। क्या यार, चलो चलते हैं। चलो यार चलते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया बताओ। अनजाने में कर दिया सर। ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, हाथ पैर तोड़ना पड़ेगा। समझ गया सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। ए, क्या किया है तुम लोगों ने, क्यों आए हो, क्या हुआ है सोमू? सर एसिड वाला केस है। ए, इधर आ, इधर आ रे। लड़कियां तुम्हारे साथ प्यार नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ घूमेंगी नहीं, तो उनके ऊपर एसिड डाल दोगे तुम लोग। कहां से मिला तुम्हें एसिड? यहां आओ सोमू, ले जाओ इन सबको। ए चल, सब 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 माफ कर, सब पीछे क्या देख रहा है? सॉरी सर। सब अरे बाप रे, पता ना ये तो चल बता सब क्यों ऐसे फेंकता है, तोड़ दे इसकी। सब सब ऐसे फेंकेगा सब 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 सब। अब बताओ, बताओ जल्दी बताओ। कमिश्नर साहब ने दिया था सर। क्यों दिया था? सर वो लड़की हमारे सर को बहुत पसंद है इसलिए दिया था। कॉलेज में वो पढ़ाने के लिए जाते हैं या लड़कियां पटाने के लिए जाते हैं? गलती हो गई सर। रंगास्वामी इन सबको लॉकअप में डाल दो। चलो यहाँ से। हाँ रंगास्वामी। हाँ सर। आधे घंटे में मेरे सामने होना चाहिए, लेकर आओ उसे। ओके सर। तारीफ करने के लिए कोई बात ही नहीं मिल रही है। अप्सरा का नाम मैंने सुना था, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। इसी तरह से दिखती हैं क्या अप्सराएं? बेवकूफ, अब तक मुझे पहचाना भी नहीं। अरे चल ना यार, चलते हैं यहाँ से। चलते हैं यार, दोबारा फोन आ रहा है। यार मेरा मन उड़ रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान, शाहरुख खान तुम्हारे जैसा प्रेमी तो मैंने अभी तक नहीं देखा था यार। हो गया है क्या? यार मुझे लगा था कि मेरे सपनों की रानी मेरे सामने आएगी, लेकिन इतनी जल्दी आएगी मैंने नहीं सोचा था। तू देख रहा मेरी लाइफ के पार्टनर वही बनेगी। गोविंदा, आप ही मेरा भला कर सकते हैं। सारे हीरो मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? मुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? चल चल चल। कौन है वो? सुबह सुबह इतनी मेहनत कर रही है। ओह माय गॉड, ये तो वही है। कल तो ये साड़ी पहन के आई थी और आज देखो अंग प्रदर्शन कर रही है।
अरे ओ मैडम, अब उछलना बंद करो। ये नहीं बंद करने वाली, एक मक्खी की तरह तो है, उछल उछल करके और दुबला होना चाहती है ये। कितना एक्सपोज करोगी मैडम? अच्छा एक स्माइल ही दे दो। ओके ओके। कल वहां मंदिर में मिली, आज यहां मिली, अब तो फिक्स हो गया है मेरी लाइफ पार्टनर तुम ही हो। भगवान, कल का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था और आज का दिन तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। कितनी खूबसूरत है यार ये, बस भगवान इसे मेरी लाइफ पार्टनर बना दे। बॉडी पे पानी गिर रहा है तो और भी कमाल की लग रही है। ए श्री, ऐसे क्या देख रहे हो? मृदुला, तुम्हें देखने के बाद न जाने क्या हो रहा है मुझे, आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। क्या मैं तुम्हें अपने सीने से लगा सकता हूँ? हटो, मुझे शर्म आ रही है। कौन है, यहाँ क्यों आया? हे, कौन हो तुम? तुम यहाँ किस लिए आए हो? चलो निकलो। ठीक है ठीक है। ए श्री, ए श्री, ए सुनना, ए श्री। आज एक भी मुर्गी दिखाई नहीं दे रही है। वो देखिए। क्या लड़की है, बिठाओ इसे गाड़ी में। सर वो कुछ बता नहीं रहा है सर। सर फोन है सर। हेलो, कहां पर? रंगास्वामी? यस सर। यहाँ से लड़की किडनैप हो गई है, किसने फोन किया था? तुमने 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 किया था? किसने? कुछ बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? ए तुम ही आओ, होटल के ओनर तुम ही हो ना? हाँ सर। तुमने ही फोन किया था? नहीं सर, मैंने नहीं किया। चलो, मुझे नहीं पता सर। कांस्टेबल, इसको लेकर चलो। सर, सर, सर। Thank you.
भाई एक चाय देना। ए, दो चाय देना। लगता है शायद यही दोनों हैं। यही है वो। पार्सल ले निकलते हैं। दो हजार का चिल्लर नहीं है साहब, बाकी पैसे बाद में दे दीजिएगा। इतनी सुंदर बीवी का क्या करेगा, मुझे दे दे, समझ गया तू? ए टावल। तुझे कहा था ना दो दिन में भेज दूंगा, पुलिस को क्यों बताया? मेरे खिलाफ जाकर आज तक कोई जिंदा बचा है क्या? ए, ये सब मेरे साले को बता देना, वो सब देख लेगा। ठीक है भाई। ए, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। माल लेने कोई गया क्या? हाँ भाई गया है। वेंकट यहाँ आओ बेटा। जी पापा। बैठो बैठो पहले। कोई बात नहीं पापा। पापा ध्यान से ध्यान से। कोई बात नहीं बेटा, बैठो पहले बैठ जाओ। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी जा रही है पापा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। हम अभी बात कर लें या फिर बाद में बात कर लें? कोई बात नहीं, बोलिए ना पापा। कुछ नहीं बेटा, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। तुम्हें पढ़ाई करनी है और पैसों का इंतजाम नहीं है, तुम कुछ काम कर लो ना बेटा। तुम कहीं बुरा ना मान जाओ, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं था। गाड़ियों का मैकेनिक हूं मैं, गाड़ियां रिपेयर करता हूं, लेकिन मेरी खुद की गाड़ी रिपेयर करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं क्या बताऊं बेटा। जब तबीयत ठीक नहीं है तो दारू क्यों पीते हैं पापा? अरे पागल, ये दारू नहीं है, खांसी की दवा है, डॉक्टर ने दी है। इतने दिनों से आपने मुझे क्यों नहीं बताया? देखो तुम दुखी ना हो जाओ, इसीलिए मैंने नहीं बताया था। कभी कभी खुद ही आकर देख लिया करो। ठीक है पापा। जाओ जाकर खाना खा लो। खाना खा लीजिए पापा। बेटे की सहायता बाप तभी मांगता है जब असहाय हो जाता है। आज काम कुछ ज्यादा ही हो गया है, आओ बैठो। सबको लगता है कि तुम्हें गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है। गुस्सा करना इंसान के लिए खतरनाक होता है बेटा, गुस्सा कम करो। ठीक है पापा। तुम्हारा गुस्सा भी मैं जानता हूं और तुम्हारा प्यार भी मैं जानता हूं। बाप का मान रखने वाला अंतिम समय तक उसका बेटा ही होता है, समझ गए? Thank you.
ए, मुझे गेम खेलने के लिए कहकर फोन में क्या कर रहा है? हाय यार। हाय। हाय। कैसा है? यार मुझे एक बात पूछनी थी यार, जब से मैं आया हूँ रवि और वेंकट नहीं दिखाई दे रहे हैं। जानते हो रवि गांव में नहीं है, कोई कैंप है वहाँ चला गया है। अच्छा, और वो वेंकट कहाँ है? वेंकट के घर की हालत ठीक नहीं है यार, मैकेनिक बन गया है। उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है यार, दूसरी बात यह है कि उसे प्यार हो गया है। वो लड़की कौन है? माधुरी, उसके पापा का गारमेंट शॉप है। ओह, अच्छी बात तो है। लेकिन उसका मामा बहुत डेंजर है, उसका नाम सुनकर पूरा गांव कांपता है। वो कौन है यार? पांडू नाम है, परसों बताया तो था। उसे कब क्या हो जाए हमेशा इस बात का डर लगा रहता है, समझे? लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता नहीं होती है। प्यार ऐसा ही होता है यार, प्यार को कभी मौत से नहीं डरना चाहिए। अगर कोई आदमी डर गया तो वो अपने प्यार को कभी बचा नहीं पाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुझे मृदुला याद है क्या? वो हमारे आनंद अंकल की बेटी है ना, याद कैसे नहीं है? हमारी जूनियर है, बहुत अच्छी लड़की है वो मुझे बहुत पसंद करती है। अच्छा, कैसी है वो अभी, मोटी वोटी हुई या नहीं? क्या यार, उस दिन मंदिर में नहीं देखा था क्या? नहीं देखा यार। कैसे नहीं देखा, मंदिर में तो भगवान को भी डरा दिया था ना। अच्छा, मृदुला वही है? हाँ यार, पहचाना नहीं क्या? पहचान तो लिया था, इसीलिए तो भगवान से मन्नत मांगी। कॉलेज में भी मैं सबसे ज्यादा उसी को चाहता था, और तब से पूरा कॉलेज तेरे ही बारे में बातें करी जा रही थी। ऐसे क्या पूछ रहा है? महेश बाबू और नम्रता की शादी के बाद कितनी लड़कियां दुखी हुई थी, कॉलेज में भी ऐसा ही हुआ कि मृदुला तुझे भगा कर ले जाएगी। चाहे कितने भी लोग दुखी हों, मृदुला ही मेरे सपनों की रानी है। तुझे पता है, जब ओस गिरती है और उस पे सूरज की किरणें आती हैं तो फूल और खूबसूरत हो जाता है। प्यार किरणों की तरह है और मृदुला ओस की तरह, हम दोनों के मिलन से फूल बनेगा। मुझे दिख रहा है तो कितना ज्यादा दुखी है, सुपर हिट बनने वाली फिल्म सुपर फ्लॉप हो तो कितना दुख होता है, वो तुझे देखकर समझ में आ रहा है। इतने दिन कैसा था तू? अबे ओवर एक्टिंग बंद कर अपनी। मतलब मगधीरा फिल्म में काजल की तरह रामचरण काजल से प्यार करता है, लेकिन मित्र विंदा का कैरेक्टर काजल को नहीं पता, कुछ ऐसे ही ना? लेकिन रामचरण और काजल मिल गए थे ना, तभी तो फिल्म सुपर हिट हुई। इसी तरह मेरी फिल्म भी सुपर डुपर हिट होगी। सामने वाले के दिल में अगर प्यार हो तो दूरियां कितनी भी हो कम हो जाती हैं। जो प्यार कहीं और था, अब वो यहाँ तक आ गया है, अब उसे पाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अच्छा ये बताओ, आनंद और ज्ञानी कहाँ पे हैं? वो लोग सेकंड शो मूवी देखने गए हुए हैं, अब तक आ गए होंगे, चल चलते हैं। चल। श्री क्या कर रहा होगा, कहीं उसे समझ तो नहीं आ गया कि मैं जानबूझकर भी अनजान बन रही हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, उसे समझ में आता तो अब तक आई लव यू बोल दिया होता। श्री, तुम्हें वाइजेक जाकर 5 साल हो गए, तभी तुम्हें आई लव यू बोलना चाहती थी। जब से तुम गए हो मैं अकेले में कितना रोई हूँ मैं खुद नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम जरूर आओगे। रात को नींद भी नहीं आती, मैंने तुम्हारा इतने सालों से इंतजार किया है। तुम अपने आनंद राव अंकल की बेटी हो ना? हाँ, तो आप कौन है? मैं श्री श्रीकर, तुम्हारे पड़ोस में ही तो रहता हूँ। जानती हूँ। याद आ गया ना, मैंने लिफ्ट मांगा था, बकवास मत करो। बैठो, कहाँ जाना है तुम्हें? चुपचाप रहने के बजाय कुछ बोल तो सकता है ना ये। कहाँ हो यार तुम लोग? हाँ हाँ ठीक है, वहीं आ रहा हूं मैं।
ए, जानबूझकर अनजान बन रहे हो? हाथ रखूं या नहीं? सिर पर मारना चाहिए इसे। रास्ते में मेरे दोस्त लोग हैं, थोड़ा उनसे मिलके चलें क्या? रखूं या नहीं पता नहीं क्या समझेगा। हाय हाय भाई। ये क्या, इसे उस दिन मंदिर में देखा था ना? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? ये सब कैसे हो गया यार? अरे तू चुप रहे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय बाय। अबे ऐसे क्या देख रहा है, मुंह बंद कर मच्छर घुस जाएगा। यार ये सच है या सपना? ऐसा लग रहा है अभिषेक और ऐश्वर्या बाइक से जा रहे हैं। कितनी देर से हाथ रखना चाह रही हो? रख लो रख लो। ये क्या कर रहा है गधा, ये इतना आवारा हो गया है। तू तो बहुत बिगड़ गया है, ये क्या हो गया? That's right. ये यहाँ क्यों लेकर आया है, बाबा के मंदिर में? तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ याद है? हम बहुत बार हमारे पेरेंट्स के साथ यहाँ आते थे ना। मतलब सब कुछ याद है इसे, जानबूझ के अनजान बन रही है। अच्छा इस प्लेस के बारे में जानती हो? क्यों याद नहीं होगा, यही तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्ही से शादी करूंगी। मृदुला मुझसे शादी करोगी? बादशाह भाई बड़ा सिगरेट देना। कमीना कहीं का। ऐसे मत देखो शाहरुख खान, छोटा गोल्ड ही दे दो यार। पहले के 500 हो चुके हैं, पहले वो तो दो, बाद में दे दूंगा ना सलमान भाई। ये शाहरुख सलमान कुछ नहीं भाई, पैसे दो और सिगरेट लो। ए, हर कुत्ते का दिन आता है तब तेरी सिगरेट नहीं तेरा खून पीऊंगा। जेब में एक पैसा भी नहीं रहता यार, कैसे दिन कट रहे हैं। तू बेटा इतना बड़ा हो गया है, खर्चे के लिए पैसे देने का ज्ञान भी नहीं है। क्या स्वामी दिखाई नहीं देता क्या? किस्मत अच्छी थी जो मुझे लगी नहीं, नहीं तो। ओम धनेश्वराय नमः। छी छी। ओम धनेश्वराय नमः। गुस्सा मत करो बेटा, आओ यहाँ बैठो, तुम्हें पैसे कमाने का रास्ता बताता हूँ। बहुत देखे तुम जैसे, चल निकल। आओ, अरे आओ बैठो बेटा। जाओ ना स्वामी। यहाँ आओ बैठो बेटा। अरे यार मुझे तुम्हारा हाथ दो बेटा, तुम्हारा धनलक्ष्मी योग बन रहा है बेटा। अच्छा, वो भी मेरी वजह से ही आएगी। ऐसी बात है? बोलो कितने चाहिए? 1000 रुपए चाहिए, दोगे क्या? ये लो बेटा। हाँ लेकिन एक शर्त है। लेकिन मैं ताबीज नहीं बनवाऊंगा। ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत होगी इस नंबर पर फोन कर देना, मैं आकर पैसे दे दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा तो तुम्हें मुझे 200 रुपए देने होंगे। 200? लेकिन क्यों? वो इसलिए कि तुम्हारे ऊपर शनि है, उस शनि को 200 रुपए के साथ मैं स्वीकार कर लूंगा। आज के राशिफल में बहुत सारा धन लाभ लिखा हुआ है, मतलब यही होगा। ठीक है स्वामी, जब भी मुझे पैसे की जरूरत होगी मैं आपको 200 रुपए देकर 1000 रुपए ले लूंगा। ज्यादा दिमाग मत चलाओ बेटा, मैं आज तुम्हें 1000 रुपए दूंगा तो कल तुम्हें मुझको 200 रुपए लौटाने होंगे, नहीं तो शनि का तांडव शुरू हो जाएगा। अगर तुम 1000 रुपए से मेरा पीछा छुड़ाना चाहोगे तो नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं
तुम्हारा भाग्य बदलने वाला स्वामी हूँ। ठीक है स्वामी, अब मैं चलता हूँ। जाओ जाओ। ओम महेश्वराय नमः। उसे पहले आने तो दे। हाँ यार। क्या दोस्त, कहाँ से आ रहे हो? पहले चाय और सिगरेट पिला। जैसे कुंवारी लड़की गोद भराई में नाच रही हो, तेरे जेब में हमेशा छेद के अलावा चिल्लर कभी होती है क्या? अरे मेरे पास तो पैसे है ना। तू कैंप से कब आया यार? कल ही आया यार। वैसे तेरे पास पैसे कहाँ से आए? ये सब मत पूछो, ये सब स्वामी की दया है। हाँ यार। ए, श्री आने वाला था क्या? वो क्यों आएगा, मृदुला के प्यार में डूब गया है वो तो। कहाँ पर? क्या बताऊँ यार, किसी सिनेमा हॉल या किसी पार्क में होंगे दोनों, हमें थोड़ी बताएंगे। वो दोनों बाहर जा रहे तो मुझे क्यों दुख होने लगा? तू अपना मुंह बंद रख। अबे इतनी जोर से क्यों मारा इसे? हेलो। हाँ ठीक है मैं देख लूंगा। सब लोग ध्यान से सुनो, इनमें से किसी को पार्सल मत देना। नए लोगों को ढूंढो, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए और पार्सल अपनी जगह पहुंच जाना चाहिए। कोई भी गड़बड़ हुई ना तो सबको मार दूंगा। वहां सब होंगे तो पहुंचना मुश्किल है भाई। अगर दोबारा बोला ना तो मार दूंगा। ए, सब ध्यान से सुनो, अगर बाहर के किसी आदमी ने पार्सल खोलकर देखा तो वो उसका आखिरी दिन होना चाहिए। हमारे धंधे के बारे में जीजाजी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चला ना। ए, इसे कोई शो के समझ रखा है क्या? ले जाकर काम तमाम करो। हाँ भाई, ठीक है भाई। हाँ ठीक है भाई, अभी जा रहा हूँ भाई। ओके भाई, बाय भाई। हाँ मिल गया भाई, ठीक है भाई, लेकर बस पहुंच ही रहा हूं भाई। इसमें क्या होगा, आज तक खोल के नहीं देखा, पता नहीं क्या होगा इसमें। फोन क्यों नहीं उठा रहा है क्या यार? छोटू एक चाय लेकर आओ और एक सिगरेट भी लाना, एक बार देख ही लेता हूं। अगर वो आ गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने खोला है। कैसे कैसे मैनेज करूं यार। अरे यार एक बढ़िया गरम चाय पीते हैं ना, बहुत थक गया हूं कसम से यार, थोड़ी थकान हो गई। एक चाय और एक सिगरेट। पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद प्लान करते हैं क्या करना है।
नमस्ते भाई। ये पार्सल कौन लेकर आया? मैं लेकर आया था भाई। यहाँ लेकर आने वाला नहीं। गोविंद नाम का कॉलेज का लड़का था। तू यहाँ कितने दिनों से काम कर रहा है? बहुत दिनों से काम कर रहा है भाई। पार्सल खुला हुआ है, देखा नहीं तूने? नहीं देखा भाई। ए बोलिए भाई। वो इस बारे में मुंह खोलने से पहले उसे मार दो। ठीक है भाई। किसी ने गोविंद पर अटैक कर दिया यार। क्या बात कर रहा है यार, मैं पहुंच रहा हूं। ए, यार रुक रहा है, रुक। ए, रुक। ए, अब पकड़ इसको। अरे यार, ये तू उधर जा। चल रहा, चल। मेरे पास भी फोन किया था यार, बहुत डरा हुआ था। चलो चलो, चलो, चलो। चल। घबराना मत गोविंद, कुछ नहीं होगा तुझे। गोविंद चलो, गोविंद गोविंद क्या हो गया यार, गोविंद उठ जा, गोविंद ये क्या हो गया यार, इसे उठा, चलो चल, गोविंद सर, सर 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 ना 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 क्या हुआ सर? हमारे दोस्त को मार दिया। कब? अभी अभी चौराहे पे सर, उसे मारकर उसकी लाश भी ले गए सर। औरतों की तरह रो क्यों रहा है? सर वो हमारा दोस्त है सर, हम लोग साथ में कॉलेज में पढ़ते थे सर। मरने वाला? वो हमारे ही कॉलेज का लड़का है सर। सर हम सब बचपन के दोस्त हैं सर। नाम क्या है? नवीन सर। हाँ नवीन सर। तेरा नाम किसे चाहिए? मरने वाले का नाम बता। उसका नाम गोविंद है सर। हम कह रहे हैं कि पब्लिक में मर्डर हुआ है, कुछ एक्शन लीजिए सर, प्लीज सर। और आप हम ही से सवाल पूछ रहे हैं? अब तू कौन है सर? इज्जत से बात करिए। इससे ज्यादा इज्जत से बात करना मुझे नहीं आता सर। हम यहाँ कंप्लेन करने के लिए आए हैं तो आप हमें ही मार रहे हैं। ए, ये पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर ऐसा ही होता है। तुम स्टूडेंट हो तो मुझे उससे क्या? रंगस्वामी जी सर, इनकी परेशानी क्या है, देख कर भेज दो। चलो निकलो। नरसिम्हा
जरा वो हथौड़ा मुझे देना। हाँ यार, क्या सोचा है तुमने? वही तो समझ में नहीं आ रहा यार, वो लोग कौन है ये भी पता नहीं चल रहा है, पुलिस भी इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। ये काम पुलिस से नहीं होने वाला है भाई, ये हम लोगों को ही करना पड़ेगा। लाश को भी साथ में लेकर गए, लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसके आगे पीछे कोई नहीं है, हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा है, उसे ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी। ये बताओ श्री कैसा है? ठीक ही है यार, बस उसके हाथ और पैर में थोड़ी ज्यादा चोट लग गई है। तो मुझे फोन क्यों नहीं किया यार? बहुत बार किया था यार, स्विच ऑफ आ रहा है। कल जो हुआ माधुरी उसके बारे में पूछ रही थी। वैसे माधुरी ने क्या कहा? मेरे पापा मेरी हर बात मानते हैं, मैं जो कहूँ वही करते हैं। उसने कहा तुम आ जाओ हम बात करते हैं। ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है। अरे यार इतना क्या सोच रहा है, सोचना बंद कर और चल हमारे साथ। नहीं यार, गोविंद के आगे पीछे कोई नहीं है इसलिए मारा है। उसने कुछ गलत किया है या नहीं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा आया डिटेक्टिव। देख ज्यादा सोच मत, दो चार बाल है वो भी चले जाएंगे। हे बहुत सोच लिया भाई, अब चल। वैसे जाने दे, सोचने दे इसे। हाँ जा भाई, आ जा चल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। रंगास्वामी। सर बोलिए सर। रंगास्वामी इसके ऊपर इतनी कंप्लेन है तो अरेस्ट क्यों नहीं सर, किया? इसे राजनीति और डिपार्टमेंट का फुल सपोर्ट है सर, इसलिए हम इसका कुछ नहीं कर सकते। उस दिन लड़की को किडनैप इसी ने किया था। हाँ सर। जाओ मर्डर कंप्लेन की फाइल लेकर आओ। जी सर। सर लड़कों के कॉलेज में जाकर उससे पूछताछ की क्या? हाँ सर, वहाँ पर सभी ने बोला कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है। कंप्लेन करने वाले दोबारा आए थे? आए थे सर, मैंने कहा जब आप हो तब आइएगा। वो लोग जब कंप्लेन करने आए थे उस समय भास्कर सर थे सर। बाहर क्या बोल रहे हैं? आपको तो सब कुछ पता है सर। पांडू बहुत डेंजर है सर वो। इसका अड्डा कहाँ है, कहाँ रहता है? गांव के बाहर एक गोडाउन भी है सर, गांव में एक कपड़े की दुकान है और ऑफिस भी वहीं पर है सर। पहले उसे बुलाओ जिसने मर्डर की कंप्लेन लिखवाई है, उसके बाद उसके अड्डे पर जाएंगे। पुलिस को समझ क्या रखा है उन लोगों ने, पुलिस की पावर दिखाऊंगा उसको। सुनेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो एनकाउंटर कर दूंगा। नहीं सर, उसके पास जाकर खाली हाथ लौटना अच्छा नहीं होगा, हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है। देखते हैं कैसे लोग हैं, बिल के पास ही जाकर पता चलेगा कि सांप है कि चींटी है। सिर्फ बिल देखकर क्यों डर रहे हो रंगास्वामी? क्यों यार, तेरे पापा नहीं आए क्या? आजकल काम कम कर दिया है, थोड़ा लेट आएंगे। वो आ गए। बैठो बेटा, बैठो बैठो। हे कहाँ हो यार तुम लोग? वेंकट के पास हैं, हम लोग भी वहीं आ रहे हैं। श्री ने कॉल किया था, मैंने बोला हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ बेटा, कुछ पता चला क्या? तुम सब पढ़ाई कर रहे हो ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें किसी बड़े आदमी का हाथ है। तुम लोग सावधान रहना, इस लफड़े में मत पड़ना, समझ गए ना? गोविंद की मौत से सबको दुख हुआ है, चाचा चाचा कहकर पीछे पीछे घूमता था। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, कितने दिन तक ऐसे रहोगे तुम लोग? जिंदगी में बदलाव आना जरूरी है, भूलने की कोशिश करते रहो। तुम लोग कॉलेज जाओ और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, जाओ जाओ। हे यार चलते हैं भाई, श्री बहुत बार फोन कर चुका है हम लोगों को। अरे यार कहाँ था अभी तक, श्री के पास ही तो था यार। ठीक है वहीं पर चलते हैं। नमस्ते सर, आइए आइए सर। ए कुर्सी लेकर आ।
सुना है नई पोस्टिंग हुई है, मैं ही आकर मिलना चाहता था। बकरी को ऐसे ले जाओ तो सोचते हैं कि पालने के लिए ले जा रहे हो, लेकिन कुमकुम लगा कर ले जाओ तो समझ में आता है कि उसकी बलि चढ़ानी है। मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। मजाक करूंगा, तू मेरा साला लगता है क्या? गोविंद को क्यों मारा? वो लड़की कहाँ है जिसे किडनैप किया है? सर, अपने घर की औरत कितनी भी सुंदर हो, पड़ोस वाली औरत पे ही दिल आता है। भूख लगे तो खाता हूँ और गुस्सा आए तो मार देता हूँ। चल। सर आपके लिए फोन है। हेलो सर। जी सर, मैंने पांडू को नहीं मारा है। आप समझ में आया भाई? होशियार रहना। क्या है ये? आपको बलि का बकरा बनाकर जा रहा है भाई। पुलिस वाले राजनीतिक नेता गुंडे पैसों वालों के गुलाम है क्या? ये लोग उनके पास ना कुत्तों की तरह काम करते हैं और साधारण आदमी की किसी बात को नहीं सुनते। ये लोग जिनसे इनको खर्चा पानी मिलता है ना, सारा काम फोन पर कर देते हैं। ये सब थाने तक नहीं जाते ये लोग। तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि पुलिस स्टेशन में जो तुमने कंप्लेंट की थी वो हर दिन किसी नए के पास जाएगी। मतलब उसके बाप का राज थोड़ी है, उन्हें हमारे लिए काम करना चाहिए, ना कि मवाली और गुंडों के लिए। ये तो गलत है। तू नहीं जानता यार, जय सही कह रहा है बिल्कुल। क्या सच कह रहा है? पुलिस वालों को इतने हल्के में मत ले भाई। नहीं यार, तुम लोग उनके बारे में नहीं जानते, क्योंकि वो लोग भिखारी के 10 रुपए तक नहीं छोड़ते। 10 रुपए के लिए होमगार्ड, 100 रुपए के लिए कांस्टेबल, 200 रुपए के लिए हेड कांस्टेबल, 500 रुपए के लिए ईसाई, 1000 रुपए के लिए एसआई और 2000 रुपए के लिए सीआई। ये जो डीएसपी होते हैं ना, ये एमएलए एमपी चेयरपर्सन के पास सेटलमेंट्स करते हैं और ये हजारों में नहीं लाखों में डील्स करते हैं। अपनी कुर्सी के हिसाब से सब लेते हैं, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं करता। अगर गलती से किसी चीज के लिए स्टेशन चले गए तो वहाँ भी सबको रिश्वत देनी पड़ती है। इसलिए कहते हैं यार, किसी भी नेता को बुला लो वही छुड़वा देंगे। और तुझे पता है, अंदर जो है अगर उसे मारना है तो उन लोगों को सिर्फ 2000 रुपए दो। वो लोग उसे मुक्के से, डंडे से आधे घंटे नॉनस्टॉप मारते हैं। खून निकाले बिना मारने में एक्सपर्ट हैं वो लोग। और पता है उनके मुंह से बातें नहीं सिर्फ गालियां निकलती हैं। औरत हो चाहे कोई भी हो, वो लोग शर्म नहीं करते, समझ गया ना? तो इतना सब कुछ कैसे जानता है यार? होने वाला ऐसा ही हूँ, इतना भी पता नहीं कर पाऊंगा क्या? भाई सुन लो, अभी उसे मार दूंगा मैं, नहीं तो धीरे धीरे सब पे कब्जा कर लेगा वो। इसकी बात कितनी सच है मैं अभी पता करके बताता हूँ सबको। किसे कर रहा है? हाँ हेलो राजू। हाँ मैं ही हूँ, कैसा है तू? कुछ नहीं यार, परसों गोविंद नाम के एक लड़के का मर्डर हो गया है ना, पब्लिक के बीच में मर्डर हुआ है उसका। वो केस कहाँ तक पहुंचा है जरा यही पता लगाना था। क्या कहा यार, इसने जो कहा सच है क्या? हाँ यार, बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। कहाँ जा रहा है भाई? बिल देकर आता हूँ यार। वैसे आजकल तू बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है यार, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह मिल गई है क्या? हाँ यार, शांता भाई की बहन गुंगा भाई मिली है, तुझे चाहिए क्या बेवकूफ कहीं का? ज्ञानी बाबू जी, आप ही है ना? हाँ रामू। चिल्लर नहीं है सर, जाते वक्त ले लूंगा यार। आपको एक बात बतानी थी सर। हाँ बोलना। क्यों? ये असली नोट नहीं है। ये असली नोट नहीं है? क्या हुआ, ये नकली नोट है यार। क्या रामू? हाँ सर, दिया किसने था? साधु ने दिया था यार। साधु ने क्यों दिया? एक दिन मुझे साधु मिला था, जब भी मुझे जरूरत पड़ती है वो 500 या 1000 का नोट देता है। कौन है यार वो? पता नहीं यार, उसे पकड़ेंगे तभी कुछ पता चल सकता है। हमारा गोविंद भी इसी में फंसा होगा यार, मुझे ऐसा लगता है। पहले उस साधु को ढूंढना चाहिए। उसे ऑटो नगर में बहुत बार देखा था, ये बात श्री को बताना चाहिए कि नहीं? यार उसे एंजॉय करने दे, साधु को हम लोग देख लेंगे ठीक है? हे उधर देखते हैं। नहीं इधर चलते हैं। ए साधु कहाँ है, कहीं दिख नहीं रहा है। क्या हुआ, उधर कहीं मिला क्या? उधर तो कहीं नहीं मिला। एक काम करो, मैं उधर देखता हूँ, तुम लोग इधर देखो। चल चलते हैं।
हुआ, दिखा क्या कहीं? यार उधर तो कहीं नहीं मिला। इस बार मैं इधर जाता हूँ, तुम लोग इधर जाओ। बड़ा सिगरेट देना। फोन कर। ए, तू फोन कर। ठीक है। लग नहीं रहा है। ठीक है चल। ठीक है। आज ये बहुत परेशान लग रहा है, क्या हो गया भाई? चलाओ जल्दी। चाहिए बाबा जी? एक बीड़ी का बंडल देना बेटा। मुझे लगता है तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो बेटा। हाँ स्वामी। पैसों की जरूरत हो तो मुझे फोन करना बेटा। चलता हूँ। हेलो। हे हे, साधु मिल गया, कैसे भी करके वहां पर लेकर आता हूं मैं। मिल गया, उसे कहीं जाने मत देना, मैं और रवि तुम्हारे पास पहुंचते हैं। ठीक है भाई। स्वामी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं स्वामी, सावित्री नाम की। प्यार करते हो? हाँ स्वामी। कह रही है शादी करते हैं। हाँ। वो तो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रही है, आप आकर उसे समझा दीजिए ना। वो मेरी बात मानेगी क्या बेटा? सावित्री है ना स्वामी, बहुत भक्ति करती है, आप जैसे लोग कहेंगे तो वो जरूर मान जाएगी। इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है ना बेटा? हाँ। क्योंकि हाल में ही एक आदमी ऐसे ही बोलकर ले गया था, वहाँ जाने के बाद कहानी ही उल्टी हो गई, ये उसी का फल है। ये क्या है स्वामी? हाँ बेटा, बढ़ने तक लगाना पड़ता है। एक बार वहाँ तो चल, बाल और दाढ़ी क्या पूरी चमड़ी निकाल दूंगा बेटा। हाँ स्वामी। कोई परेशानी तो नहीं होगी ना बेटा? वैसे भी एक साधु की दाढ़ी निकाल कर क्या मिलेगा, और उससे ज्यादा क्या कर सकते हो। चलो। चलिए स्वामी। ये क्या, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कोई गड़बड़ तो नहीं है? क्यों बेटा, यहाँ सच में वो लड़की रहती है या कोई और बात है? मुझे कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही है, देखने में तो अच्छा इंसान लग रहा है। सावित्री कहाँ है बेटा? आइए स्वामी, आपको लेकर चलता हूँ। स्वामी आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी आता हूँ। मुझे यहाँ रहने के लिए क्यों बोल कर गया वो? अरे वाह, कितना लंबा है ये। क्या कितना लंबा है? डंडा। अरे ये क्या कर रहा है ये? अरे ये सब क्या है बेटा? ये प्रकृति के खिलाफ है बेटा, छोड़ो मुझे। भक्त, अरे कहाँ जा रहा है? सुनो, कहाँ हो तुम भक्त? अरे सुनो मेरी बात, मुझे इसके साथ क्यों फंसा दिया बेटा? मुझे इससे छुड़ाओ बेटा। अरे बाबा जी, बाबा जी। अरे बेटा, मुझे धक्का मार दिया। तुम लोग कौन हो बेटा?
और मेरी गलती क्या है जो ऐसे कर रहे हो बेटा? ये कहाँ से मिला है? तुम्हारे जेब के पैसे के बारे में तुम्हें पता होगा, मुझे क्यों पूछ रहे हो बेटा? साधु को मारना नहीं चाहिए बेटा। ए, मैं इस 500 के बारे में जानता हूँ, बताया तेरे पास कैसे आया? देखो बेटा, भगवान के भक्त को ऐसे डराना नहीं चाहिए, भक्ति से प्रसाद चढ़ाते हैं। ए, तू हट तो। ए, उठ। ए, पीछे। भगवान को डराते नहीं है, उसे खाना खिलाते हैं। सूरज इधर आ। ये खाना खिलाओगे? नहीं बेटा। ठीक है, चल बता। ऐसा लग रहा है मैं अपनी ही तस्वीर पर हार चढ़ा रहा हूँ। मरा हुआ इंसान कभी हार चढ़ाता है क्या बेटा? इस भक्त ने सावित्री की कहानी सुनाकर मुझे मार दिया बेटा। बता, ये नकली नोट तुझे कहाँ से मिल रहा है और कौन दे रहा है तुझे? आप पुलिस वाले हो क्या बेटा? वो कौन है मैं नहीं जानता, कहते हैं कि पांडू के आदमी है। वो मुझे देते रहते हैं, मैं उन्हें कुछ पैसे देते रहता हूँ। पांडू मतलब वो पंजा गुट्टा का पांडू क्या? हाँ बेटा, वही है। कौन पांडू? वही माधुरी का मामा। मुझे मारा कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मेरे बारे में उन्हें मत बताना बेटा। सच में ही वो लोग मंदिर बनवा कर मेरा जीव समाधि करवा देंगे, इसमें बहुत बड़े लोगों का हाथ है बेटा। कौन? वो तो मुझे पता नहीं है, वरना इस भेष में क्यों रहता मैं? आराम से ऐश करता ना। जब भी तुम्हारी याद आती थी तो बस यही सोचती थी मैं कि मेरी यादों में श्री और श्री की यादों में सिर्फ मैं हूँ। तुमने आकर ये सब कुछ सच कर दिया। श्री, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है। आज सही कह रहा है। हाँ, हाँ, यहाँ हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। वैसे काम क्या था? चलो इसी दुकान में चलते हैं। चलिए हाँ चलते हैं। काफी अच्छा दुकान। सब कुछ मिलेगा। अरे बेटा, उनको जरा देखो क्या चाहिए। ए, जरा इधर आना। तू कुछ दिनों से दिखाई क्यों नहीं दे रहा यार? कुछ नहीं यार, थोड़ा काम था तो बाहर गया था। चल ठीक है, जा। भाई को अच्छा दिखाओ। ये भी दिखा दो भैया। कुछ पसंद आया? ये देखो ना, ये ले या फिर ये ले। ये कैसी है? नहीं, इसको ट्राई करो ना। ओ, ये कलर अच्छा है ना? नहीं यार, नो। आओ वहाँ कुछ और देखते हैं। हाँ? कुछ और दिखाऊं? कुछ अच्छा दिखाओ भैया। भैया कुछ बढ़िया कपड़े दिखाओ। ये बढ़िया नहीं है यार। आपको ये पसंद आया तो इसको पैक कर दूं? कभी तूने दो चिड़ियों को गुटर को करते देखा है? अबे तू भी तो कुत्ते की तरह लार टपका रहा है। लार टपकाना बंद कर भाई, तुझे भी कुत्ता समझ रही है। ए, ठीक है, हम लोग कुत्ते हैं, लेकिन तू तो कुत्तों का अध्यक्ष है ना? ये शर्ट अच्छा लग रहा है, ये मुझे पसंद आया। इसे ट्राई करके देखो। ट्राई क्या करना है, देख के ही समझ आ गया। ठीक है, ये मेरे लिए। पैक करवा दो इसे। कुछ नए कपड़े दिखाइए। कुछ नया डिजाइन हो तो दिखाइए ना। इतना ही है क्या? बस और कुछ नहीं है? आपको चाहिए तो बताइए, हमारे पास और नहीं है। क्या यार, ले लिया क्या? नहीं यार। क्या यार, कुछ नए कपड़े दिखाना? वही तो बोल रहा हूँ मैं इनसे। तो दिखा नहीं रहा है क्या? अरे आपको क्या चाहिए बताइए तो। अरे कुछ अच्छे नए वाले दिखाना। इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है भाई। डोंट टच। क्यों लेकिन? मालिक चिल्लाएंगे। एक बार उस पतले को देखो। क्या हुआ? देखो तो सही। ऐसा क्या है उसमें? हाँ,
श्री ये ड्रेस। हाँ यार अच्छी है। आपको क्या चाहिए सर? ये ड्रेस। सेम ड्रेस चाहिए। आइए अंदर और भी कलर्स हैं। ओके अंदर है। आइए चलिए आइए चलो चल के देखते हैं। क्या हुआ टाइम पास हो गया? बस थोड़ा बहुत हुआ यार। और बोलिए सर और भी कुछ दिखाऊं क्या आपको? वो लड़की तुझे ऐसे क्यों देख रही है? कुछ किया क्या तूने उसके साथ? ज्यादा कुछ नहीं यार बस थोड़ा बहुत। और तूने उस लड़के के साथ क्या किया? नए कपड़े मांगे उल्टा सीधा जवाब देता है। क्या चाहिए बताइए हमारे पास इससे नए नहीं है। आपको क्या चाहिए बताइए और मैं क्या दिखाऊं आपको। काफी अच्छी शॉपिंग हो गई। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल तो गया। ए पांडू माधुरी पर नजर रखो वेंकट बहुत क्लोज हो रहा है ध्यान रखना जरा। ठीक है जीजा जी मैं देख लूंगा। जैसा इस लिस्ट में लिखा हुआ है इसी के अनुसार सबको भेजो। ए सुन रहे वो अब तक गोविंद के बारे में सोच रहे हैं या भूल गए? मरने वाले के बारे में इतनी जल्दी कौन भूल जाता है भाई? डायलॉग मेरे पास बोलकर उसके पास क्यों जा रहा है? यहाँ अब ये मारेगा मुझे। यहाँ बे गाल से हाथ हटा। नहीं मारूंगा। कोई बात नहीं अच्छा फॉलो कर रहा है लेकिन असली चीज को फॉलो नहीं कर रहा है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ वेंकट और माधुरी के विषय में कुछ गड़बड़ लगी तो। ठीक है भाई मैं देख लूंगा। ए, भाई अरे यार मुझे आए कितनी देर हो गई अब तक मुझे उसकी बॉडी की खुशबू नहीं आ रही है। मेरा मन उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है बेवकूफ समझ आए क्या? अबे समझा क्या? अंदर लड़की तैयार है भाई बस आपके जाने की देरी है भाई। वेरी गुड वेरी गुड। क्या चाहिए सर? वेंकट कहाँ है? भाई बाहर गए आप थोड़ा बैठिए ना। बैठने के लिए नहीं आए हैं। तू ऐसे क्यों देख रहा है वो कब आएगा? इज्जत से बात कीजिए। तुझे इज्जत दूं? तुझे इज्जत चाहिए और चाहिए इज्जत ये ले। क्या कर रहे हैं आप लोग? ए, कौन हो तुम लोग? अरे क्या कर रहे हैं? अरे इन्हें क्यों मार रहे हो? अरे सुनो अरे छोड़ो अरे कौन हो तुम लोग? अरे छोड़ो अरे अरे हटो हटो छोड़ो अरे क्या कर रहे हैं? सुनो अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो तुम लोग? हैं इन्हें क्यों मार रहे हो तुम लोग? यहाँ पे गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो? ए, रुक जा। ऐसे क्या घूर रहा है? गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो तुम? देख हम असल में यहाँ झगड़ा करने नहीं आए तुझे समझाने आए हैं। अब तक तुझे समझ आ गया होगा भूल जा सब भूल जा। क्या भूल जाऊं रे? माधुरी के बारे में समझ आया? माधुरी को भूल जाऊं ये बताने वाला तू कौन है रे? लगता है मेरी बात तेरे भेजे में नहीं घुस रही है। हंस क्यों रहा है रे? झगड़ा नहीं करना चाहता था मार दूंगा तुझे मैं। डॉक्टर 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 हेलो हेलो श्री उस दिन हमने जो शॉप में देखा था ना वो पुतला नहीं लाश थी मैंने उसे छुआ भी था। कौन सी शॉप कौन सी लाश क्या कह रही हो तुम मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। सच में हेलो अरे सुन ना यार
मृदुला दुकान में लाश के बारे में बोल रही थी, उसका दिमाग खराब हो गया शायद। मृदुला ने सही कहा यार, शक तो मुझे भी हुआ था। हमें आज रात को शॉप में जाना पड़ेगा, तू सबको फोन करके बता दे। मैं फोन कर रहा हूँ, किसी का लग नहीं रहा है। ठीक है यार, आज रात को ही चलते हैं, मैं उन्हें फोन करके बता दूंगा। पागल, हाँ ये तेरे चाचा की दुकान है क्या जो तू लाइट चला रहा है? चाचा की लाइट बंद कर। सब यहाँ वहाँ भाग गए, यहाँ लाशें हैं या आत्माएं हैं, समझ नहीं आ रहा है ये लाश है या भूत है। भूत नहीं, पुतला ही है। ये कॉमेडी करने का समय है क्या रे? जाके लाशें ढूंढ, लाशें जा। तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आती है, कोई भूत आकर ले जाएगा ना तब समझेगा। वहां से कुछ आवाजें आ रही हैं। अरे हम ही हैं यार। चंटी डरा रहा है यार। उसके डराने से वो डर जाएगा क्या? बेवकूफ कहेगा। अंधेरे में कहां क्या होगा, इससे डर कर मर रहे हैं यार। अरे कहां हो यार, कहां हो? अबे यही हूँ यार, अंधा हो गया है क्या? इस अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। क्या हुआ यार? क्या हुआ, ऐसे क्या पूछ रहा है? डर के मारे जान जा रही है। ए चंटी, ये सब तेरा ही प्लान है ना? गोविंद की लाश नहीं मिली तो देख लेना, जान से मार दूंगा तुझे। हमें जो चाहिए था मिल गया, जल्दी आओ। हेलो, हेलो भाई। कह रहे हैं, क्या हुआ, आवाज क्यों कांप रही है? गोविंद की लाश और ट्रैक वाली लाश दोनों गायब है भाई। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ सच में भाई, पूरी दुकान में ढूंढने पर मिल नहीं रहा है भाई। चाकू और पैसा वहीं पर पड़े हुए हैं, सिर्फ लाश नहीं है। दुकान पूरी वैसी की वैसी है, कौन ले गया समझ में नहीं आ रहा है भाई। तू शॉप बंद करके गोडाउन आ जा। ठीक है भाई। Thank you.
सब मेरा मुंह देखना बंद करो, बताओ क्या हुआ है। कोई हमें फॉलो कर रहा है, हमारे बारे में सब पता चल गया। उन्हें लेकर गए मतलब वो जरूर हमें जानते होंगे। पहले वो कौन है वो पता लगाओ। ठीक है भाई। दोनों की लाशें कहीं गड़ी हुई होंगी। जीजा जी इसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने जो भी किया है छुपा कर किया है। शॉप में लाशें थी, ये बात जीजू को पता चली तो मार दूंगा उन्हें और तुम्हें। जी 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 भाई भाई, 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 भाई। जाकर हर जगह ढूंढो। ठीक है भाई, चल रहे। ए, रुको। हाँ भाई। भाई तुम मत जाओ, तुम किसी को जानते हो तो उसे ढूंढने के लिए कहो। जीजू चेन्नई से आए उससे पहले ढूंढो। ठीक है भाई। हे रवि, कहाँ है यार तू? पांडू के आदमियों को फॉलो कर रहे हैं यार। पांडू कहाँ है ये पता लगाने के बाद एविडेंस ढूंढो। ठीक है भाई, एविडेंस के साथ ही लौट कर आऊंगा। मैं यहाँ का काम खत्म करने के बाद तुम लोगों से मिलता हूँ, तब तक तुम लोग अपना ध्यान रखना। ठीक है श्री। बात समझ में आ गई ना? कुछ दिन सब लोग संभल के रहो। ठीक है भाई। कोई तो है यहाँ, देखना कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, समझे? जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, चल रहे। उसे नहीं छोड़ेंगे, उसने मारकर हमसे कहा कि जिसने मारा है हम उसे पक्का सजा दिलवाएंगे। वो ऐसा ही है यार, हम ये बात पुलिस को बताते हैं। तू बता क्या सोच रहा है तू? वही यार कि ये बात माधुरी को कैसे बताऊं, यही सोच रहा हूं मैं तब से। तेरा बाबे खूनी है यही कहेगा और क्या, बताने दे यार, आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा। ये भी तो सही कह रहा है, कल उसे सच का पता चलेगा तो गलत समझेगी। मैं माधुरी को फोन करके बुला लेता हूं। हेलो हेलो हेलो। हाँ माधुरी। हाँ बोलो वैंकर। कहाँ हो तुम? एक बार जरा मेरे वर्कशॉप में आ जाओ। हाँ आ रही हूँ। ओके। इतनी जल्दी में क्यों बुलाया वेंकट, कुछ पता चला क्या? हाँ ठीक है। हाँ? रवि को तुमसे कुछ बात करनी है। रवि मुझसे क्या बात करना चाहता है? क्या बात कर रहे हो रवि, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो चलकर पुलिस को सब कुछ बताते हैं। नहीं माधुरी, पुलिस वाले तुम्हारे मामा की बात सुनेंगे, तुम जरा उनके सामने अनजान रहना, ठीक है? इतना सब कुछ जानकर भी मैं अनजान कैसे रहूं? Thank you.
ऐसे क्या देख रहा है? बेवकूफ हो गया क्या? हमें फॉलो करने वाले और कोई नहीं है, वेंकट और रवि है, उनको हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। तुम में से कोई भी उनके सामने मत जाना, सब ठीक हो जाएगा। ये बात जीजा जी को नहीं पता, माधुरी को पता चल गई होगी, उसने जरूर बताया होगा। बताने दे, मैं उसे भी मार दूंगा। उन्हें पता कैसे चला तू क्या कर रहा था? सो रहा था या भांग पी रहा था? जाकर जल्दी से ढूंढो कि लाशें कहाँ हैं। अगर ये बात बाहर आई ना तो उनकी जगह तुम होंगे। मुझे क्या देख रहे हो? सुनो, तुम मत जाना, किसी और को भेजो। इतनी जल्दी किस लिए भाई? उस वेंकट रवि को मार दूंगा। अबे पागल इंसान, क्या बोल रहा है तू? हाँ, मारने के लिए वो एक या दो नहीं है, कॉलेज के लड़के हैं वो, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। कुछ दिन के लिए तुम सब कहीं जाकर अंडरग्राउंड हो जाओ। कैसे हो भाई? खान भाई दो चाय। ठीक है छोटू, दो चाय लेके जा। हाय यार। हाय यार। हाय। पहले तेरा स्वामी कहाँ है ढूंढ, पहले उसी से काम शुरू करते हैं। वो आजकल दिखाई नहीं दे रहा है यार, ढूंढो तो मिल जाएगा, हमें उसकी बहुत जरूरत है इस समय। ये बात हम लोगों को श्री को तुरंत बतानी चाहिए, पहले उस स्वामी को ढूंढते हैं। यार नवीन, ये स्वामी कहाँ पर मिलेगा? मिल जाएगा यार, टेंशन क्यों ले रहा है। क्या बात है, ये लोग मेरे पास क्यों आ रहे हैं? कहीं मुझे पहचान तो नहीं लिया? इसका काम बढ़िया है यार। पहचान लिया क्या भाई? क्या यार, ये चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। नहीं बेटा, मैं हाल ही में वैजाग से यहाँ पर आया हूँ। स्वामी जी। अरे पहचान लिया क्या हैं? ठीक से देख, ये तो वही साधु है। क्या बेटा, मुझे ऐसे भी नहीं जीने दोगे तुम लोग? रोज मेरे सामने से जाते थे, नहीं पहचानते थे, आज कैसे पहचान लिया तुमने? सुबह से आपको ही ढूंढ रहे थे स्वामी। अरे कहाँ का स्वामी जी बेटा, सावित्री की मार से स्वामी जी आओ। अभी तुम्हारे सामने है जेंटलमैन जगन। आपसे कुछ काम है, चलिए ना स्वामी। मुझे क्या मिलेगा बेटा? आपका जो है आपका ही रहेगा स्वामी जी, चलिए। ठीक है चलता हूँ, जो डूब गया उसके लिए क्या सोचना। चलिए। नमस्ते सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर। ये वीडियो है ना, गुड। मैं तुम लोगों को बधाई देता हूँ, जो हम नहीं कर पाए वो तुम लोगों ने कर दिया। अब उस पांडू को भगवान भी नहीं बचा सकते। हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा सर। थैंक यू सर। रंगास्वामी जी। सर आज हमें बहुत ज्यादा काम करना है। सर हमारे आदमियों का फोन है, पांडू बच के भाग रहा है। कम ऑन।
हेलो दास, कहाँ है तू? वो ऐसा है मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तुझे उसे खत्म करना होगा। ओके भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, आ जाओ। पुलिस, अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। जब मैंने ये खाकी वर्दी पहनी थी तभी अपनी जान की परवाह छोड़ दी थी। छोड़ो, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारी लाइफ अभी बहुत बाकी है। इसे पुलिस के हवाले कर दो, मैं इसे देख लूंगा।